हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश ठाकुर आप सभी का हमारे चैनल एबीटी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। इस वीडियो को आप जल्दी जल्दी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ आपके लिए एक सवाल है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न यह है कि एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है। आप अपना जवाब कमेंट करें, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है। तो चलिए देखते हैं एनजीटी के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावी एवं त्वरित निपटान करने हेतु की गई है। अधिकरण के मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। अधिकरण के लिए आवेदनों और याचिकाओं को उनके दायर किए जाने से 6 माह के भीतर निपटान करने का अधिदेश दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश तथा पहला विकासशील देश बन गया है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इस अधिकरण का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वह न्यायायिक सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो आइए अब देखते हैं कि एनजीटी के सदस्यों का चयन किस तरह से होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्य को एक चयन समिति द्वारा चुना जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश करता है। यह समिति सभी आवेदनों की समीक्षा करती है और साक्षात्कार आयोजित करती है। न्यायिक सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में चयनित होने के लिए आवेदकों को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह या राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रधान सचिव पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा पर्यावरणीय मामलों से निपटने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा विशेषज्ञ सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। अंत में इस विषय से परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला सवाल यह हो सकता है कि एनजीटी के बारे में बताएं, दूसरा एनजीटी की संरचना के बारे में बताएं और तीसरा एनजीटी के कार्य बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।